मेरी गली मेरा मोहल्ला प्रोग्राम तहत आज टीम पहुंची है वार्ड नंबर 64 दे एरिया दे इलाके दे विच। संकरी गलियां ने अंदरूनी शहर है और अंदरूनी शहर दे नाल नाल बाहर द्वार दा हिस्सा है। ये जड़ा इलाका है सेंटर साउथ हल्के दे विच पैंदा वार्ड नंबर 64 है और इस गली इस मोहल्ले दे विच की समस्या ने, किस तरह दी समस्या है, पानी दी समस्या है, सीवर की समस्या है, इस तो इलावा जड़ा साफ सफाई की समस्या है उस बारे लोगों को पूछांगे, लोगों की जानकारी हासिल करांगे, लोगों कि दिक्कतों का सामना करना पड़ा उस बारे जानने। आओ लोगों गल कर रहे हैं इस बारे। इतने ना तो कोई सफाई का हिसाब है ना कोई, इतने डेंगू इन्ना वा, मैं खुद 5-6 दिन बैड के उत्ते रहा वा भी बुरा हाल रहा है। हुण साडे आंढी गुआंढी ने उन्नी बेचारे घर बैठे हुए ने तो उन्हां दा काम बिल्कुल बंद होया पिया वा, कोई सुनवाई नहीं गई। इस लगे तो चाहिए तो यह भी कारपोरेशन भी इतने आण के सुधार कर। इतों जो एंट्रस है, एंट्रस के हिसाब लो सरकारी हॉस्पिटल है, वो लागे इन्ने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं भी अभी 10 नहीं लंघना मुश्किल हो जाता। पता नहीं वो किस तरह ने, जो हॉस्पिटल वाले भी कोई न कुछ कहें नहीं जा कि अप्रोच नहीं करते भी ये जगह सफाई होनी चाहिए। ना जी, एक बन्ने सरकारी हॉस्पिटल हो, एक बन्ने गंदगी के ढेर लगे उन्होंने, उत्थे इन्नी बू आती भी लंघना एक सैकेंड नहीं तुम खलो सकते, उत्थे इन्ना बुरा हाल है। साड़ी तो सरकार अगे यो मंग है भी इस इलाके की भी सुनवाई की जाए, जो सुधार साढ़े तक कोई रिश्तेदार भी साढ़े घर आने तैयार नहीं भी इस इलाके असी नहीं जाना जी। हाँ जी, इतने कारपोरेशन दे जी घट्टो घट मेरे 90% जोड़े ने कारपोरेशन के इतने ही रेंगे ने सारे, पर कोई किसी सुनवाई नहीं हो रही। इतने साढ़े बहुत मुश्किल है जी, साढ़े लाइटा जीडिया वो भी तो कभी जाग पी कभी आँदी, पिछले पानी सीगा, पानी भी इन्ना कभी फुक 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 घंटा घंटा मोटर चलती रही पानी की, तो फिर जाके तो पानी आऊगा एक घंटा जो आ गया नहीं तो नहीं आना, वो भी मुश्किल है जी, पानी भी नहीं आता। हाँ जी, की कह रहे हो, सीवरेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जी, इधर पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, गंदा पानी जिहड़ा मिक्स हो के आ रहा, मच्छर फैल रहा सारे पासे, बीमारियां दा तुहानूं पता है इस वेले प्रकोप चलदा पिया, उहदे करके बहुत बुरा हालात है, लोग बीमार पै रहे हैं बहुत ज़्यादा जी। हाँ जी, कारपोरेशन च कोई आउंदे आ बस माड़ा मोटा हला हलू के चल जाते हैं, प्रॉपर सफाई जिहड़ा ट्रीटमेंट जिहड़ा चाहिए वह नहीं है। इत्थों बदबू बहुत ज़्यादा आउंदी है, एक बच्चों का बहुत खतरा होंगे, बच्चे भजे जाते सीधा ही नाले के जाते कोई नहीं, सफाई बस करके चल जाते, साल दो साल बाद तीन साल बाद आ जाते। कोई नहीं होर किस तरह का तुम इतने रेंदे हो गया कि होर कड़ी समस्या लगती है? समस्या यो भी बनना चाहिए नाला थोड़ा जहा, फिर बच्चों का चल खतरा वा, एक दो बच्चे बच्चे डुब भी गए अगे डिग के, फिर सैकल चला सीधे बच्चे बच्चे चल जाते हैं, हूँ अड्डे है छोटे छोटे बच्चे सीधे जाते, सारा दिन ध्यान रखना पैंता बच्चों का। हाँ जी, गंदा नाला बंद किया जाए, सानू पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, साढ़े पानी भी नहीं आता सरकारी समस्या वाल लवाया है जे, हाँ पानी कीड़े भी आते जे, नाला गार आती पानी की, तो नाला बंद किया जाए, सानू बहुत प्रॉब्लम आ गया, साढ़े सारे कहन गए तो कितने मकान ले लिया जे, साढ़े अपने बच्चे बीमार हैं, मच्छर बहुत ज्यादा सानू परेशानी है। प्रॉब्लम यह है भी इतने गंदगी बहुत है नाले का करके, तो वो मच्छर इन्ना आ बीमारियां फैलदियां आ, गंदा पानी पीण वाला गंदा पानी आ, ये नाले नू बंद किया जाए। सुनदा कोई नहीं है? ना सुनदा तो कोई भी नहीं, आ जाते आके देखे फिर चल जाते। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਆ, ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਗਲੀ ਕਮੋਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਰ ਦਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਦਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਟੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਰ ਟਾਵਰ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਪੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਸੀਵਰ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੇ ਦੱਸਦੇ ਗਲੀ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸਭ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ मेरा मोहल्ला प्रोग्राम के तहत अज टीम ने वार्ड नंबर 64 का दौरा किया है। यह जिहड़ा वार्ड नंबर 64 है यह कुछ अंदरूनी शहर आए कुछ बाहर का एरिया इस इलाके दे विच पैंदा है। इस इलाके दियां वी जिहड़ियां बेसिक समस्या ने वो यही ने, ट्रैफिक की समस्या खास करके ज़्यादा है क्योंकि इस एरिया जड़ा बिल्कुल नज़दीक हरिमंदर साहब होने करके अते व्यापारिक अदारे होने करके इस एरिया च ज़्यादा लोगों की समस्या है, पीने वाले पानी की समस्या है और खास करके जड़ा अज दे समय दे साफ सफाई की समस्या है क्योंकि बीमारियों का इस वेले फैलाव ज़्यादा है जिस करके लोग ज़्यादा डरे हुए ने। कैमरा पर्सन विपन के नाल ज्योति बहल, दैनिक सवेरा टीवी अमृतसर।